हमीरपुर जिला में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है तथा गत सप्ताह से जिला में पॉजिटिविटी रेट 4 से 5% तक पहुंच गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। विभाग ने लोगों से कोरोना दिशा निर्देशों का सही से पालन करने का आह्वान किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने लोगों से एहतियात बरतने के साथ साथ कोविड टीकाकरण करवाने का आग्रह भी किया है। हमीरपुर जिला में कोविड के मामलों में गत सप्ताह हुई वृद्धि के बाद हमीरपुर में सक्रिय मामलों की संख्या 393 हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना की वृद्धि दर 2 से 3% से बढ़कर 4 से 5% हो गई है, जहां विभाग हर दिन 1000 से अधिक लोगों के टेस्ट कर रहा है, वहीं एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने माना कि जिला में लॉकडाउन खुलने के बाद व्यापारिक गतिविधियां, स्कूल समारोह शुरू होने के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, उनका विशेष रूप से पालन करें। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। थोड़ा सा केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और ये पूरे हिमाचल में ही हो रही है, क्योंकि जब से हमने देखा है सब कुछ ओपन अप हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हमारी ख़त्म हो गई हैं। अब त्यौहार भी दोबारा चल पड़े हैं, बसें हमारी चली पी हैं, स्कूल हमारे शुरू हो गए हैं, शॉप मार्केट सब खुल गया है, ओपन अप है। उस वजह से लोगों का आना जाना जो है एक दूसरे स्थान पे बढ़ गया है। और थोड़ा सा देखा गया है कि जहां पहले पॉजिटिविटी 2 से 3% थी, अब वो 3-4% के करीब जो पॉजिटिविटी आ रही है। तो केसों में उस तरह बढ़ोतरी हल्की सी लग रही है, 40 से 50 केसेस के बीच में डेली हो रहे हैं। और दूसरा इसका ये भी कि हमारी टेस्टिंग जो है वो भी हम 1000 के करीब या उससे ऊपर प्रतिदिन कर रहे हैं, तो टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो केसेस भी थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, इसलिए ये बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर हम इस पे एहतियात ना रखेंगे तो वो और ज़्यादा केसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि कहा गया है, बताया गया है विभाग द्वारा भी, सरकार द्वारा भी, प्रधानमंत्री द्वारा भी बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, हैंड सैनिटाइजेशन है, और अबव ऑल जो है वो सबसे ज़रूरी जो है वो वैक्सीनेशन है। ये सारी चीज़ें हैं, ये बताई गई हैं, और हम भी IC के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर अपना ध्यान जरूर रखें। वहीं हमीरपुर जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी में बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्होंने कहा कि जहां भी अधिक लोग एक समय में रहेंगे उनके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है। उन्होंने कहा कि स्कूल में विशेष एहतियात बरती जा रही है, किंतु बच्चों का टीकाकरण अभी तक न होने के चलते वे संक्रमण के खतरे में ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि ये भी देखा गया है कि बच्चों में एंटीबॉडीज पैदा हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि डुंगरी स्कूल में 54 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, लेकिन केवल 10 से 12 बच्चों में ही संक्रमण के लक्षण थे, बाकी सभी एसिम्प्टोमेटिक थे। देखिए, जहां पे क्लस्टरिंग होगा, जहां पे लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे होंगे, एक रूम में रहेंगे और ज्यादा समय तक रहेंगे, सरकार ने खोल दिया है, स्कूल खोल दिए हैं, हॉस्टल खोल रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ SOP के साथ वो खुले हैं, लेकिन उस जगह पे थोड़ा सा चांस रहता है कि एक बच्चे को भी अगर होगा तो वो सभी बच्चों में इन्फेक्शन जाएगा, क्योंकि बच्चों में वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, तो बच्चों में केसेज एकदम होंगे। आपने देखा होगा नेर चौक में भी हुए, कॉलेज में, हमारे यहाँ डुंगरी जो स्कूल है वहाँ भी केसेज हुए हैं, ये होंगे। एहतियात हमने ये लिया कि उनको बताया गया कि SOP का भी वो फॉलो करें, और सभी हमने स्टाफ का भी, बच्चों का सभी का जो टेस्ट किया है, उसमें से टोटल जो था वो 54 के करीब बच्चे पॉजिटिव आए थे। मैक्सिमम उसमें 5 या 10% जो बच्चे थे वही सिम्टोमेटिक थे, बाकी में बच्चों में कोई भी तकलीफ नहीं थी। बच्चों में हालांकि वैक्सीन ना होने के बावजूद भी उनमें एंटीबॉडीज अब बनी हैं। हमने जो हमीरपुर का जो सीरो सर्वे हुआ था उसमें भी देखा गया था कि बच्चों में भी एंटीबॉडी बीमार को रोकने की शक्ति जो डेवलप हुई है 50 से 60% तक, है ना। तो इसलिए ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन केसेस हमारे वहाँ पे हो रहे हैं। वहाँ पे यही हमारा कहना है कि अगर कोई भी ऐसा केस होता है, ILI के सिम्टम आते हैं, बुखार, खांसी, दर्द, इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो एकदम उस इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो नियर बाई ब्लॉक में बताए और उस बच्चे को अलग रखे और वहाँ पे सारी टेस्टिंग जो है एकदम की जाए।